हेलो, वेलकम टू शशि गार्डन। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, केना नेरी का प्लांट है जो कि काफ़ी रूट बाउंड हो चुका था और इसकी जो ये पॉली बैग थी ये भी काफ़ी फट गई थी, ख़राब हो गई थी, तो मुझे इसे हटाना पड़ा और दूसरे प्लांटर में इसे शिफ्ट करना पड़ा। इसमें नई नई शूट्स भी निकल रही थी पर अभी फ्लॉरिंग पर नहीं है। इसका फ्लॉरिंग का टाइम उधर गर्मियों में, लास्ट गर्मी और जो बारिश का मौसम हमारा स्टार्ट होता है तब होता है। अभी इस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो मैं इसे, इसकी जो डेड पत्तियां हैं उसे हटा दूंगी और इसकी स्टेम को भी हटा दूंगी और इसके नीचे जो बल्ब बनते हैं, जो जो गांठ बनती है उसको मैं अलग अलग करके शिफ्ट कर दूंगी। आप इसकी गांठ को अलग अलग करके काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं पर मैं अभी, मेरे पास पॉट अवेलेबल नहीं है तो मैं एक ही पॉट में इसको सबको लगाऊंगी, भी इसको अलग अलग नहीं करूँगी मैं। तो मैं इसके सारे स्टेम को हटा देती हूँ, एक स्टेम मैं छोड़ रही थी पर देखते हैं बाद में, फिर अगर हटानी पड़ेगी तो मैं इसे भी हटा दूँगी। तो ये देखिए सारी लीव्स इसकी ख़राब हो गई थी और सारी पत्तियाँ ऐसी सूख गई थी तो वो मैंने हटा दी है। तो इसका जो पॉली बैग है इसको मैंने हटा दिया है, ये भी काफ़ी वैसे 2 साल तक मेरे साथ रहा। अब मैं इसे नया पॉली बैग दूंगी, पॉट तो है नहीं अभी मेरे पास में, इसलिए वैसे मैं ज़्यादातर मैं वेस्ट जो मटेरियल होते हैं उसी का यूज़ करती हूँ तो ज़्यादा आपको मेरे यहाँ पॉट नज़र नहीं आएंगे। पॉली बैग, ग्रो बैग और ऑयल कैन होती है, बस वही मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, तो वही आपको मेरे गार्डन में दिखाई देंगे। तो ये है आटा जो लाते हैं उसका पॉलीथीन है, ये इसी को मैं अपना ग्रो बैग के लिए इस्तेमाल करूँगी। काफ़ी मजबूत होता है ये, तो ऊपर से मैं थोड़ा सा इसको कट करके इसको हटा दूँगी ऊपर ऊपर का और फिर इसके ऊपर की जो साइड है इसको अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी, सॉरी बाहर की साइड में इसे फोल्ड कर दूँगी तो हमारा एक ग्रो बैग तैयार हो जाएगा। कैंची लाना भूल गई थी तो ये कटर से इसको काटने की कोशिश की है मैंने, कटर भी हमारे प्लांट काट काट के ऐसा हो जाता है कि फिर कुछ काटना ही नहीं बनता है। तो इसको बाहर की साइड मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया था और इसकी जो दोनों किनारी है उसको मैं काट के ड्रेनेज होल बना लूँगी। तो इसकी जो दोनों किनारी थी उसको मैंने कटर से काट कर दोनों ड्रेनेज होल बना दिए, बाकी और वो ड्रेनेज होल में करूँगी पर अब इसको फिलअप करने के बाद करूँगी, अभी नहीं करूँगी, अभी करना थोड़ा मुश्किल होता है, एकदम से होता नहीं है। जब ये फिल हो जाएगा ना तब आसानी से इसमें छेद बन जाएंगे। तो ये देखिए मैं इसमें इसका वेस्ट जो पत्तियाँ मैंने अभी काट कर निकाली थी उसी को सबको नीचे बिछा दूँगी और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी बिछाऊँगी, बस ये वेस्ट हमारा कंपोस्ट का काम करेगा बाद में। फिर थोड़ी मिट्टी इसमें मैंने डाल दी है, मिट्टी में मेरी खाद वगैरह, कोकोपीट और बालूरेत सब मिक्स थी पहले से ही, इसलिए मैं अभी इसमें कुछ भी नहीं मिलाने वाली हूँ नए सिरे से। और भी जो गार्डन का वेस्ट था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और फिर से मिट्टी डाल दी है। इस तरीके से मैं इस पॉट को फिलअप करूँगी ताकि बार बार कंपोस्ट देने का काम नहीं रहता। और जैसे पॉट में हम गुड़ाई करके कंपोस्ट डाल देते हैं पर पॉली बैग में हम है ना गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, गुड़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है इसमें। और ये देखिए मेरा जो केना ले का प्लांट है उसको, इसकी जड़ें देखिए काफ़ी फैल गई हैं, मुझे बड़ी मुश्किल से इसे हटाना पड़ा है। और ये इस तरीके से इसे ढीले करते करते मैं इसे हटाती गई हूँ, तो धीरे धीरे मैंने इसकी सारी मिट्टी को निकाला और निकालने के बाद में इसके जो बल्ब हैं उसको भी मैंने अलग अलग किया। और जैसे मैं हटाते जा रही थी वैसे कोई कोई बल्ब निकलते भी जा रहे थे तो उनको ऐसे ही मैंने थोड़े थोड़े करके हटा दिए थे। तो इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इसकी स्टेम हटा रहे हैं या बल्बों को अलग अलग करके तोड़ के भी हटा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। काफ़ी हार्डी प्लांट होता है तो उसे ग्रो होने में कोई दिक्कत नहीं होती है, काफ़ी आसानी से ग्रो भी हो जाता है और बहुत कम केयर पे ये अच्छे से चलता है, अच्छे से फ्लावरिंग करता है। आप इसे कंपोस्ट भी ज़्यादा ना दे तो भी ये अच्छे से चलता रहता है।
तो ये देखिए इसकी रूट बाउंड कितनी ज़्यादा रूट इसमें हो गई थी। बस इसी में यही दिक्कत होती है, इसकी रूट काफ़ी बाउंड होती है। इसको रूट बाउंड के कारण से हर साल इसको आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, और बल्ब भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनते रहते हैं इसमें। तो ये देखिए मिट्टी काफ़ी फोरस थी, आसानी से निकल रही थी, बट इसकी जड़ों ने उस मिट्टी को काफ़ी पकड़ रखा था। तो मिट्टी में से जड़ें मैंने निकाल दी और कुछ जड़ें मैंने हटा दिए काट काट कर। तभी जो हमारा जो बल्ब बचे हैं इसी को मैं ग्रो कर लूँगी। ये देखिए ये दो इस तरह की गांठ निकली है, और ये एक गांठ को मैंने अलग निकाल लिया था तोड़कर, और ये एक और ऐसी निकल गई। तो ये भी आसानी से ग्रो हो जाएगी। आप चाहो तो एक प्लांट से काफ़ी प्लांट बना सकते हो। तो ये मेरा जो प्लांटर था, ये ग्रो बैग कह सकते हैं ना, ग्रो बैग है ये मेरा। इसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी और फिलअप करूँगी और फिर इसको इसमें लगा दूँगी। तो ये मैंने थोड़ी जगह बचाकर इसको फिल कर दिया था, और इन बल्ब को इसमें रख कर अब इस पर मिट्टी डाल दूँगी। तो मेरे ये ग्रो बैग में ये आसानी से फिट हो गए थे। मैंने थोड़ा स्पेस रखा था ऊपर सिर्फ कि प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाए। तो ये मैंने वही जो मिट्टी इसकी निकाली गई थी वही मैंने वापस इसमें फिलअप कर दी ऊपर ऊपर, और नीचे मैंने दूसरी मिट्टी का यूज़ किया है जो मेरे गार्डन सॉइल थी जिसमें सारी चीज़ मिली हुई थी। तो ये अच्छे से मैं दबा दबा के इसको सेट कर दूँगी। और केनारेली का प्लांट आपको लगाने में बिल्कुल आसानी से लग जाता है। इसके जो फ्लावर आते हैं वो काफ़ी सुंदर लगते हैं। इसके बाद अगर कभी इसमें फ्लावरिंग जब नहीं होती है तो इसकी जो लीव्स होती है वो भी काफ़ी दिखने में सुंदर लगती है, मतलब ग्रीनरी हमेशा इसमें बनी रहती है। और ये देखिए मैंने इसमें 4-5 बल्ब थे जो सब लगा दिए हैं अलग अलग, मैं इनको अभी नहीं लगा रही हूँ, एक ही में सभी को ग्रो करूँगी। तो मैंने इस तरीके से इनको सबको इसमें लगा दिए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे साथ बने रहिएगा, और मेरी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये आपको मिट्टी में जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ना, ये एग सेल है जो मैंने पहले वाली मिट्टी में मिला रखे थे। एग सेल गलते नहीं हैं, सिर्फ इसको चूरा करके आप डाल दीजिए तो वो आप कंपोस्ट का काम करते रहते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पानी दे दिया है ताकि अच्छे सेट हो जाए और अच्छे से पानी पी लें। और नीचे अब देखिए इसका ड्रेनेज होल करना बाकी रह गया था, तो आपके पास कुछ निकली चीज़ हो, कील हो, उससे आप इसके ड्रेनेज होल कर सकते हैं। मेरे पास ये टूल था तो मैंने इससे इसके ड्रेनेज होल कर दिए हैं, दो इधर और दो उस साइड में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही था कि कैना लेली के प्लांट का रिपोर्टिंग का। और ये देखिए अच्छे से सेट हो गए हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और कुछ प्याज हमारे जाते जाते हमारे प्याज भी देख लीजिए, प्याज शिमला मिर्च इसमें ग्रो हुई है, और कुछ प्याज और दूसरे कैन में मैंने ग्रो किए हैं, उसी में मैंने एक आलू का पौधा भी ग्रो किया है। तो ये साथ में आलू भी इसमें ग्रो हो रहे हैं, और ये प्याज भी ग्रो हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।